गुड मॉर्निंग बच्चों कैसे हैं तो एक नए सेशन के साथ मैं संतोष निवास्तव सुपर सेक्श्री एजुकेशन हब से आपके सामने प्रेजेंट हूं और कल चूंकि मैं नहीं पढ़ा सका था उसकी कुछ वजह थी जिस पर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा लेकिन अभी हम शुरू करते हैं एडिटोरियल रीडिंग थर्ड जोन ट्वेंटी ट्वेंटी सेशन नंबर थर्टी टू यानी ये बत्तीसवां सेशन है मेरा लगातार पढ़ाते हुए आपको तो निश्चित ही जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे होंगे उन्हें कहीं कहीं एक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा एक बूस्टिंग मिल रही होगी कि हां अब हम कुछ कर सकते हैं ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है हमारे पास ये देखिए आपके सामने ये कोर्ट जैसा कि आप जानते हैं बच्चों ये हमेशा इस पर अच्छे से सोचा करिए कि कोई भी टीचर अगर आपको ये कोटेशन वगैरह कोर्ट्स वगैरह बताते हैं क्यों बताते हैं आपके अंदर एक इंस्पिरेशन उत्पन्न करने के लिए प्रोड्यूस करने के लिए ताकि आप सोचें लाइफ के बारे में आगे आने वाला जो भविष्य है फ्यूचर है उसके बारे में तो आज का जो क्वेशन है वो आपसे कहता है कि एजुकेशन इज द मोस्ट एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं किस चीज में प्रयोग कर सकते हैं आप एक मिनट बच्चों बस एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यानी शिक्षा वो सबसे शक्तिशाली हथियार है यू कैन यूज जिसका आप उपयोग कर सकते हैं टू चेंज द वर्ल्ड इस संसार को बदलने के लिए यानी इस संसार को बदलने के लिए जो सबसे शक्तिशाली आपके पास वो वेपन है हथियार है वो क्या है आपके पास एजुकेशन है क्यों कहा जाता है पेन इज मैटर दिन द शोर यानी कि जो तलवार है वो उतनी शक्तिशाली नहीं होती है जितनी शक्तिशाली कलम की ताकत होती है ठीक है तो एजुकेशन को अपनी ताकत बनाएं और इसके द्वारा इस संसार में क्या ले आए कुछ हो? बदलाव ले आए परिवर्तन ले आए ठीक है ये जैसा कि रूटीन है आपका सरोना टेस्ट है आपके पहला वर्ड आपका है कंटेनमेंट याद है आपको कंटेनमेंट केवल कंटेन वर्ब हो जाएगी और मेंट जोड़ करके क्या बना दिया गया नाउन तो कंटेनमेंट मीन क्या हो जाएगा बच्चों याद है आपको रोकथाम किसी चीज पर जो नियंत्रण करने का कार्य होता है वो कंटेनमेंट होता है तो क्या हो जाएगा कंट्रोलिंग क्या हो जाएगा कंटेनमेंट का कंट्रोलिंग बैंक रपसी जात्र बच्चे जानते होंगे जो बच्चे ना जानते हो मॉडरेट लेवल पर याद कर लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए तो बैंक रपसी का हो जाएगा आपका याद है आपको क्या होती है, means? याद है आपको दिवालियापन क्या होता है दिवालियापन यानी बैंक अगर कोई हो जाता है तो वह इन का शिकार हो जाता है, तो वो का शिकार हो जाता है. में वो कर्ज अदा करने में सक्षम नहीं होता बहुत सारे लोग जानबूझ के भी बैंक का शिकार हो जाते हैं नेक्स्ट वर्ड है, है इष्ट छुटरी होता है याद है आपको पढ़ा था आपने संवैधानिक तो क्या हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल क्या हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन भी संवैधानिक होता है नेक्स्ट वर्ड है आपका इंडोर मेन वर्ड रहा होगा इंडोर्स तो इंडोर्स मीन्स क्या होता है समर्थन करना तो क्या हो जाएगा इसका सरम के रूप में सपोर्ट हो जाएगा हो जाएगा इंडोर्स का सपोर्ट तो इंडोर्स का सपोर्टेड हो जाएगा सिंड्रोम आपको याद होगा बहुत बार जो किसी चीज का सिम्प्ट होता है वो एक लक्षण को कहते हैं और उन कई लक्षणों का जो एक ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं सिंड्रोम कहते हैं तो सिंड्रोम का सन्म क्या हो जाएगा आइडेंटिफिएबल पैटर्न यानी वो पैटर्न जिसके द्वारा आप रोगों के रोगों का पता लगाते हैं वो आइडेंटिफिएबल पैटर्न होता है आपका सिंड्रोम होता है एक्विपवाइज स्पेलिंग एरर और वर्ड दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है एक्विपवाइज याद है आपको मेंटल बैलेंस यानी एक तरह से मानसिक संतुलन या किसी भी प्रकार के संतुलन को कहते हैं बैलेंस को कहते हैं तो बैलेंस की मीनिंग याद है आपको एक्वेलिब्रियम एक्वेलिब्रियम मीनस भी संतुलन होता है नेक्स्ट वर्ड है रन आउट बहुत बार आपके घर में राशन जो होता है वो रन आउट कर जाता है मीन्स क्या हो जाता है वो समाप्त हो जाता है तो रन आउट मीनस समाप्त हो जाना तो क्या हो जाएगा फेनिश ये हो जाएगा कैजोल मीन्स किसी को कोई कार्य करने के लिए मनाना उसकी चापलूसी करने के सेंस में इस लेवल पे जाके मनाना कि आप उसकी फ्लैट करने लगे ठीक है तो कैजोल मींस मनाना परशुवेड करना तो क्या हो जाएगा कोक्स हो जाएगा कोक्स मीन्स भी मनाना फ्लैटरी करना और लास्ट वर्ड है ट्वीक ये भी आपने पढ़ा था जब आप कहीं ट्वीक करते हैं तो कोई इंप्रूवाइज करते हैं इंप्रूव करते हैं मीन्स क्या करते हैं आप सुधार करते हैं आप तो ट्वीक का क्या हो जाएगा आपका इंप्रूव सुधार करना ठीक है ये एक नया सेक्शन मैंने जोड़ा मेरी बहुत समय से तमन्ना थी एक डिज़ायर थी कि मैं आपको बेहतर बनाऊँ स्पेशली जो बच्चे मॉडरेट लेवल पे हैं मैं उन्हें धीरे धीरे समझाता चलूँ कि ये नाउन सफिक्सेस क्या होते हैं एडजेक्टिव सफिक्सेस क्या होते हैं वर्ब सफिक्सेस क्या होते हैं और एडवर्ब सफिक्सेस क्या होते हैं ठीक है तो बच्चों प्रिफिक्स तो आप समझते होंगे ना जो किसी प्राइमरी वर्ड मूल शब्द के पहले जोड़ा जाए वो आपका प्रिफिक्स होता है और जो किसी मूल शब्द के बाद में जोड़ा जाए वो क्या होता है होता है है ठीक जो मूल शब्द के प्राइमरी वर्ड के पहले जोड़ा गया वो प्रेफिक्स है और जो मूल शब्द के प्राइमरी वर्ड के बाद में जोड़ा गया वो क्या है सफिक्स है जो आप हाँ देख रहे होंगे ये सारी बता रहे हैं कि ये बाद में सफिक्स ले जाते हैं तो कहीं भी किसी शब्द के अंत में अगर आप एज देखें डीओ एम डम देखें आई एस एम इसम देखें हुड देखें मेंट देखें आई टी वाई देखें नेस देखें एस आई ओ एन देखें टी आई ओ एन देखें एक्स आई ओ एन देखें एस एच आई पी देखें एस एच आई पी तो तुरंत कह दें वो शब्द क्या है आपका नाउन है फिर से यदि कोई शब्द एज है लास्ट में डम है इज्म है हुड है मेंट है आई टी वाई है नेश है एस आई ओ एन है टी आई ओ एन है एक्स आई एन या एस एच आई पी है तो वो शब्द क्या हो जाएगा आपका बच्चों क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा ठीक है कोई भी ऐसा शब्द होगा जैसे यहां देखिए बैगेज में लास्ट में क्या है ए जी ई है तुरंत कह दें नाउन है फ्री में क्या है डम तुरंत कह दें नाउन है सोशल में क्या है आई एस एम तुरंत कह दें नाउन है चाइल्ड में क्या है हुड नाउन है डिसअपॉइंट में क्या है मेंट तो नाउन है एक्टिव में क्या है आई टी वाई नाउन है हैप्पी में क्या है नेस नाउन है एक्सप्रेस में क्या है एस आई ओ एन नाउन है पापुलेट में क्या है टी आई ओ एन नाउन है कॉम्प्लेक्स में क्या है एक्स एन नाउन है और लीडर में क्या है एस एच आई पी तुरंत कह दें नाउन है ठीक है वैसे भी कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु कोई भी स्थान कोई भी घटना कोई भी कार्य कोई भी भावना कोई भी विचार ये हमेशा क्या होते हैं नाउन्स होते हैं आपके लेकिन और भी कुछ है बच्चों किसी भी शब्द के अंत में ए एन सी आता है डबल ई -E आता है टी यू आर ई या अगर एस यू आर ई एस यू आर ई लिखा है एस यू आर ई आता है तो भी आई एन जी किसी चीज में आपने वर्ब में जोड़ा है और वह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का, का काम कर रहा है तो भी किसी वर्ब में बच्चों ध्यान रखेगा किताबों में केवल ए एल लिखा होता है लेकिन आपको एक चीज याद रखना होगा यदि आपने किसी नाउन में बच्चों किसी वर्ब में अगर आपने एल जुड़ा हुआ देखा तुरंत कह दें वह नाउन है आपका ठीक है तो वर्ब में अगर ए एल जुड़ा हुआ है तो वह नाउन होगा किसी शब्द के अंत में टी एच है नॉर्मली तो वह नाउन होगा शब्द के अंत में IHT है तो वह नाउन होगा जैसे में में आपने ANC देखा तुरंत पहचान ले नाउन है यहां में e -N -C -E जोड़ा नाउन है एपसेंट में डबल ई जोड़ा नाउन बन गया इंजिन में डबल ई आर जोड़ा नाउन हो गया डिपार्ट में यू आर ई या टी यू आर ई जोड़ा तो नाउन हो गया लीड में आपने आई जोड़ के वर्ब बनाया जो नाउन या नाउन की तरह काम करे मीन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह या कंप्लीमेंट की तरह काम करे तो नाउन हो जाएगा एराइव एक वर्ब है उसमें आपने ए एल जोड़ दिया एराइवल नाउन हो गया डेफ्थ में लास्ट में देखिए टी एच है मीनस नाउन हो गया एक्टिव में आई टी है क्या हो गया नाउन हो गया ठीक है ये जरूर अच्छे से आप पहचानिएगा लेकिन एक चीज मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा जैसे बच्चों यहां टी आई ओ एन है यहां पे लास्ट में ठीक है तो जैसे येलो टू अ लुक्सो आई सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा, हरा ही दिखाई देता है तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि हर टी आई ओ एन जो है वो नाउन ही होगा ऐसा नहीं अगर आप ध्यान से देखें ये वर्ड है स्टेशन इसमें क्या है ये नाउन है ठीक है लेकिन ध्यान रखिएगा ये वर्ब की तरह भी क्या कर सकता है कार्य कर सकता है कहीं आप स्टेशन देखें समझ जाए ना फंक्शन लास्ट में टी आई है फिर भी ये नाउन के साथ साथ एक वर्ब की तरह भी क्या करता है काम करता है तो प्रश्न कैसे पहचाने तो आप तुरंत समझ लें आसान है बच्चों कोई भी शब्द यदि कैसे व्यक्ति के रूप में वस्तु के रूप में स्थान के रूप में घटना के रूप में विचार के रूप में गुण के रूप में अवगुण के रूप में जाना जाए तुरंत कह दें वो नाउन है लेकिन अगर कोई कार्य हो रहा है उसके द्वारा तो फिर क्या हो जाएगी वो वर्ब हो जाएगी ऐसे आप उनमें डिफरेंस डिफरेंस पहचान सकते हैं ठीक है तो सारे वर्ड्स आप देख लीजिएगा नाउन सफिक्सेस के ताकि कल को अगर मैं आपसे कोई शब्द दे करके पूछूं और पूछूं कि चलिए बताइए ये कौन सा शब्द हो जाएगा जैसे मान लीजिए बच्चों मैंने लिखा कहीं आपको ब्रदरहुड ठीक है अब मैंने पूछ दिया ब्रदरहुड कौन सा शब्द है तो आप जैसे ही एच डबलओडी देखा आपने आप तुरंत कह दें शब्द कौन सा है नाउन है आपका यह पहचान आपके काम आएगी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों इशारा देख लीजिए सब नाउन सफेक्सेज हैं आपके वो कैप का सेक्शन हमारे सामने पहला वर्ड है के सी एच का प्रोनाउंसिएशन क से है सी एच से भी होता है सी एच से भी होता है और सी एच से भी होता है ठीक है ये आप प्रोनाशियन तो करते करते धीरे-धीरे जान जाएंगे तो एडजेक्टिव है, है बिखरा हुआ है बिल्कुल कन्फ्यूज है अनसेटल्ड है कहीं पर हेल्टर स्केल्टर है तो वहां पर क्या है है मीन क्या है स्थिति वहां पर बिल्कुल अस्तव्यस्त है आप इस समझते होंगे बच्चों ये किससे बना होगा देखें इससे से एक नाउन है अव्यवस्था उसी से एडजेक्टिव बनाया गया क्या आगे पढ़ेंगे आप मैं जल्दी कल ही परसों ले आऊंगा किसी शब्द के अंत में अगर आई सी है तो क्या होता है नॉर्मली वो नाउन होता है ठीक है तो क्याटिक एक एडजेक्टिव हो जाएगा इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कंफ्यूजन और डिसऑर्डर यानी कोई अगर चीज स्कैटर्ड है कन्फ्यूज है अनसेटल्ड है या हेल्टर स्केल्टर है तो आप कह दें वो शब्द क्या है अस्त व्यस्त है नेक्स्ट वर्ड अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा ये देख के आप हो सकता है बड़ा वर्ड आपको लगे बच्चों लेकिन ये वर्ड है डी लिमिटेशन प्राइमरी वर्ड क्या रहा होगा लिमिट उसमें एक प्रिफिक्स जोड़ा गया डी और फिर एक सफिक्स जोड़ा गया एशन ए टी आई ओ एन अभी आपने पढ़ा किसी शब्द के अंत में टी आई ओ एन है तो नॉर्मली वो नाउन होता है तो डिलिमिटेशन नेगेटिव हो जाएगा मीन्स किसी चीज का सीमा तय कर देना उसे निरुद्ध कर देना अर्थात उसको कहीं कहीं रेस्ट्रिक्टेड कर देना दिस इज डिलिमिटेशन नाउन के रूप में है आपका ये मीन्स एक्शन ऑफ फिक्सिंग द बाउंड्री और लिमिट ऑफ समथिंग जब आप किसी चीज की कोई बाउंड्री बना देते हैं उसकी लिमिट बना देते हैं तो आप उसे वर्ब के रूप में डीलिमिट करते हैं और नाउन के रूप में वो हो जाता है कहीं कहीं आप लिमिट कर रहे हैं या रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ठीक है तो डिलिमिटेशन क्या हो जाएगा किसी चीज की सीमा तय करने का कार्य नेक्स्ट वर्ड है सरकम कहीं भी इस लगाए कहीं भी इसपेक्ट इसके देखना होता है क्या होता है बच्चों देखना और कहीं भी सरकम लगा है सरकम अपने चारों तरफ तो जो व्यक्ति अपने चारों तरफ देख देखता है समझता है वो सरकम एक्सपेक्ट करता है और एडजेक्टिव के रूप में किस रूप में एडजेक्टिव रूप में वो सरकम एक्सपेक्ट है मेंस क्या है वो सजग है अपने आसपास के खतरों के प्रति क्या है वो सावधान यानी अपने इर्द गिर्द जो खतरे हैं उसके पे सजग है सावधान है तो एडजेक्टिव के रूप में वो है, यही वर्ड वर्ब के रूप में भी कार्य करता है वो कहीं, कहीं क्या है बच्चों विजिलेंट है, क्या है वो, वो अवेयर है क्या है वो सतर्क है वो कॉशस है क्या है वो सतर्क है वो केयरफुल है क्या है वो सतर्क है वो ठीक है डिलीवरेशन पहले वर्ड जान लें डेलीवरेट डेलीवरेट क्या होता है जब आप कोई कार्य डेलीवरेटली करते हैं तो आप जान बोझ कर, करते हैं आप तो डेलीवरेशन पहचान लेंगे नाउन है ना टी आई ओ एन एस ऐसे अब आसान हो जाएगा आपके लिए बच्चों एक बार जो मैंने अभी दिए हैं अच्छे से देख लीजिएगा आप सारे बच्चे आप ठीक है तो ये नाउन हो जाएगा डेलीवरेशन जिस चीज पर आप एक लंबी बहस करते हो लॉन्ग एंड केयरफुल कंसीडरेशन करते हो आप या डिस्कशन करते हो वो होते हैं मीन्स क्या होती है वो लंबी बहस है आप उस पर कंसल्टेशन कर रहे हैं मीन्स सलाह मशवरा कर रहे हैं डिस्कशन कर रहे हैं मीन्स बहस कर रहे हैं कंसिड्रेशन कर रहे हैं मीन्स विचार विमर्श कर रहे हैं तो डेलीवरेशंस मीन्स क्या हो जाएगा लंबी बहस नेक्स्ट वर्ड है डिमोलिस में जाकर बच्चे जानते होंगे अब यही देखिए बच्चों आगे आप कल या परसों आप जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे ना तो किसी शब्द के अंत में आपको बताया जाएगा आई एस एच होता है तो वो आपका एडजेक्टिव होता है बट आप उसका फंक्शन देखें वो किस तरीके कार्य कर रहा है अगर वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा होगा तब वो एडजेक्टिव का, का काम करेगा ना लेकिन अगर उसके द्वारा आप ये दिखा रहे हो को, कोई कार्य हो रहा है कार्य कर रहा है तो कार्य किसके सेंस में आ जाएगा बच्चों वर्ब के सेंस में आ जाएगा ठीक है तो डिमोलिस मींस ढहाना गिरा देना पुल डाउन कर देना तो गिराना तो कार्य है तो डिमोलिस क्या हो गई एक वर्ब हो गई तो डिमोलिस का प्रयोग करते हैं यानी किसी चीज को अगर आप नॉक डाउन कर देते हैं पुल डाउन कर देते हैं या टॉपल डाउन जब कोई नया शब्द आए उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए मीन्स टॉपल डाउन करते हैं तो आप क्या कर देते हैं उसे ढहा देते हैं गिरा देते हैं ठीक है तो डिमोलिस ढहा देना रस तो आप जानते होंगे बच्चों अक्सर कहते हैं चौक पे आज बहुत रस था यानी जो लोग थे वो जल्दी जल्दी चल रहे थे जल्दी जल्दी भाग रहे थे तो रश मीन क्या हो जाएगा भागना दौड़ते हुए चलना ये कह सकते हैं तो रश मीन्स टू मूव आर डू वेरी क्विकली यानी वर्ब के रूप में जब आप बहुत तेजी से चलते हैं भागते हैं तो आप रश कर रहे हैं यानी आप हॉशन कर रहे हैं तेजी से भाग रहे हैं हरी कर रहे हैं आप जल्दबाजी कर रहे हैं हाई कर रहे हैं जल्दबाजी कर रहे हैं स्पीड शो कर रहे हैं जल्दबाजी कर रहे हैं तो रश मींस क्या हो जाएगा भागना नेक्स्ट वर्ड है पजश पहला वर्ड आपका मेन क्या रहा होगा पजश और कल आप पढ़ेंगे या परसों पढ़ेंगे किसी वर्ब में अगर ईडी जुड़ा है तो नॉर्मली वो पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है और पास्ट पार्टिसिपल नॉर्मली एडजेक्टिव की तरह क्या करता है कार्य करता है तो पजिश्र यहां क्या हो जाएगा एडजेक्टिव यानी जिसको किसी चीज का पागलपन सवार हो यानी जो पागल हो जिस पर किसी चीज का भूत चढ़ा हुआ हो मीन्स एकदम वो क्या हो बच्चों ये हो उनमत्त यानी बिल्कुल पागल हो चुका हो वो पजिश्र है यानी किसी भी कीमत पे क्या है और जेंटली डिजायरस यानी वो उस चीज को चाहता है टू डू कि वो उस चीज को कर ले और हैव समथिंग या उस चीज को पा ले वह पजश्र है ठीक है तो पजश्र किसी चीज के लिए पागल जिसके ऊपर भोचड़ाव जो उन्मत्त हो बहुत अधिक इच्छुक हो वो पजश्र होता है उविष्टा विष्टा मतलब कोई योजना या किसी चीज का जो विस्तार है वो विष्टा यहां के सेंस में होता है विष्टा मींस एक स्पेक्टेकल भी होता है बच्चों एक सिनेरियो भी होता है मींस एक परिदृश्य जो होता है वो भी विष्टा होता है ठीक है तो यहां कोई योजना या किसी चीज का विस्तार यानी कोई योजना मीन्स कोई प्लान है कोई स्कीम है कोई प्रोजेक्ट है कोई प्रोग्राम है या कोई आइडिया है तो वह एक विष्टा है मेन्स एक योजना है किसी चीज का विस्तार करने की योजना है ये विष्टा है आपका मॉन्यूमेंटल समझते होंगे मॉन्यूमेंट से बना है अभी आपने पढ़ा किसी एडजेक्टिव uh, में मतलब जब आप नाउन में एल जोड़ेंगे बच्चों तो क्या होगा एडजेक्टिव हो जाएगा ठीक है तो आपने मॉन्यूमेंट में क्या जोड़ा एल इसलिए देखिए क्या हो गया ये एडजेक्टिव हो गया ठीक है मॉन्यूमेंटल एक एडजेक्टिव रूप में होता है अति महत्वपूर्ण जो चीज हाईली सिग्निफिकेंट हो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो विस्तृत हो बड़ा हो वो क्या है मॉन्यूमेंटल है बृहद के सेंस में यानी कुछ बहुत मैसिव है कोलोसल है कोलोसस है बहुत बड़ा है बृहद है मेंसो so, सो कंकि जाइेंटिक है वो क्या है मॉन्यूमेंटल है लेकिन यहां मैंने किस सेंस में लिया है अति महत्वपूर्ण जो हाईली सिग्निफिकेंट हो मीन्स जो आउटस्टैंडिंग हो जो प्रोड्यूजियस हो जो सुपर डुपर हो वो मॉन्यूमेंटल है ऐतिहासिक कह सकते हैं बहुत विशाल कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं तीनों मॉन्यूमेंटल मीन्स ले सकते हैं आप नेक्स्ट वर्ड है लिगैशे लिगैश क्या होती है जो आपको अपनी पुरखों से विरासत में मिलता है जो अपने एनसेस्टर्स से आपको विरासत में मिलता है वो आपके लिए क्या एक प्रकार का लिगैश है एक विरासत है, है। यानी आपके लिए एक हेरिटेज है एक बर्थ राइट right है जन्म सिद्ध अधिकार है उस चीज पर आपका एक पैट्रीमनी है मीन्स आपके पिता से यानी आपके पुरखों से मिला है इनहेरिटेंस है एक विरासत है आपके लिए ठीक है तो क्या होता है में विरासत जो आपको आपके पुरखों से से मिला हो ये हमारे सामने एडिटोरियल आ गया मॉन्यूमेंटल हरी मॉन्यूमेंटल हरी यानी एक बहुत महत्वपूर्ण हरी जल्दीबाजी यानी एक बड़ी जल्दीबाजी यहां मॉन्यूमेंटल किस सेंस में यूज किया गया बृहद बड़े के सेंस में यानी मॉन्यूमेंटल हरी एक बहुत अधिक आन सेंट्रल जल्देबाजीट्रेस्टा प्रोजेक्ट यानी यह उस प्रोजेक्ट पर लिखा गया है जिसमें सेंट्रल यानी केंद्रीय विस्तार किया जाना यानी बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह को प्रोजेक्ट को उसको क्या करना है बढ़ाना है उसको रिकंडीशन करना है उसी पर यह आपका एडिटोरियल है, ठीक है करें, स टू रीडेवलप सेंट्रल विस्टा बट इट मस्ट नॉट बी डन इन सबसे पहले वर्ड देख लेते नॉर्मली एक इंट्रोडक्ट्री सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है ठीक है ऐसे सेंस में किताबें लिखती हैं वो एक एडवर्व होता है लेकिन और भी सेंसेस हो सकते हैं आप यह देखें कि देयर का आपने यूज किसके लिए किया है देयर का यूज आपने किसके लिए किया है इस केस के लिए है ना देयर माइट बी अ केस तो इस सेंस में देयर एक नाउन या प्रोनाउन की तरह भी क्या करता है कार्य करता ठीक है माइट आप जानते हैं क्या एक है? मॉडल है और जब ये मॉडल है तो बी क्या है हो जाएगा आपका एक को? वर्ब हो जाएगी मेन वर्ब हो जाएगी ध्यान रखिए बच्चों एक मॉडल के रूप में माइट सकता है या संभावना दिखाता है लेकिन माइट एक नाउन भी होता है नाउन के रूप में माइट में ताकत या शक्ति स्ट्रेंथ हो जाती है तो देर माइट बी समझते होंगे आपका नाउन है तो ए क्या हो जाएगा आपका आर्टिकल या हो जाएगा to यहां क्या है? टू के बाद आपकी वर्ब हो जाएगी जब ये वर्ब है तो टू क्या हो जाएगा आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा किस चीज को रीडेवलप करना सेंट्रल विष्टा ये विष्टा क्या है नाउन कोई योजना तो नाउन होगा ना कोई विचार नाउन है तो सेंट्रल क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव वैसे देखें सेंटर में एल जुड़ा है तो आप तुरंत कह दें एडजेक्टिव है जो शायद मैं कल या परसों आपको पढ़ाऊंगा बट आपको याद हो गया होगा याद हो गया होगा यहां पे क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल है आपका नॉट क्या है एक एडवर्ब है आपका तो मस्ट के बाद बी क्या हो जाएगी मेन वर्ब हो जाएगी सॉरी ये पैसिव एस्ट मस्ट नॉट बी डन तो फिर यहां डन आपका पैसिव स्ट्रक्चर में बी मेन वर्ब हो जाएगी और डन आपका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा इन आप जानते हैं प्रिपोजिशन है और हेस्ट यहां जब इन प्रिपोजिशन है तो आप आंख मूद के कह दें कि हेस्ट क्या हो जाएगा यहां पे नाउन हो जाएगा ठीक है किसी शब्द के बाद बच्चों अगर कोई शब्द कहीं पॉजिटिव केस है ठीक है पॉजिटिव केस के बाद अगर कोई शब्द आ रहा है तो आप तुरंत कह दें वो क्या है आपका नाउन की तरह कार्य कर रहा है अगर वो शब्द है तो किसी भी आर्टिकल या डिटर्मिनर के बाद अगर एक ही शब्द है तुरंत कह दें क्या है वो नाउन है आप ठीक है ऐसे धीरे धीरे पहचाने देखिए बच्चों कह रहे हैं कि देयर माइट बी केस टू रीडेवलप सेंट्रल जो केंद्रीय विस्तार है उसको रीडेवलप करना उसे फिर से विकसित करना देयर माइट बी अ केस एक मामला हो सकता है यानी मामला हो सकता है कि आप सेंट्रल विस्टा को क्या करें आप री करें यानी जो केंद्रीय आपकी योजना है विस्तार है आप उसे फिर से विकसित करें बट लेकिन इट मस्ट नॉट बी डन पैसिव इट नहीं करेगा इट पर किया जाएगा इट मस्ट नॉट बी डन लेकिन ऐसा नहीं किया जाना चाहिए इन हेस्ट कैसे नहीं किया जाना चाहिए जल्दबाजी में यानी सही है कि आप सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप करें यह मामला सही हो सकता है बट लेकिन यह जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए यानी इसमें हेस्ट न शो करें ठीक है पूरा जब एडिटोरियल बच्चों आप पढ़ लेंगे तो आप जान जाएंगे इसकी जो टोन है वो कहीं कहीं सेटायर है यानी आयरनिकल है यानी व्यंगात्मक है लेकिन हर जगह कहीं कहीं एडिटोरियल में सजेशन का दायरा बना रहता है बच्चों ठीक है यानी आप कहते हैं आयरनिकल टोन है लेकिन इसमें भी सजेशन है आपका ठीक है इसमें क्या बताया गया आपको कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो जो सेंटर है मीन केंद्र सरकार है उसके अधीन जो बिल्डिंग्स आती हैं चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो चाहे वो उपराष्ट्रपति भवन हो चाहे वो प्रधानमंत्री पीएमओ हो यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हो चाहे वो संसद पार्लियामेंट हो इन सब पर क्या करना चाहती है रीडेवलप करना चाहते हैं रिकंडीशन करना चाहती है इनमें जहां जरूरत है मरम्मत करना चाहती है और जहां नहीं जरूरत है वहां पूरी तरह से उनमें बदलाव करना चाहते हैं लेकिन आप ये सोचें क्या इस पैंडमिक की क्राइसिस जब चल रही है क्या इस दौरान इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए नहीं ध्यान देना चाहिए इस समय सारा ध्यान कहां रहना चाहिए इस पर कि लोगों के जान माल की रक्षा कैसे की जा सकती हो जो डेथ टॉल हमारी बढ़ रही है मृतकों की जो संख्या बढ़ रही है उसको किस तरीके से सीमित लिमिट किया जा सकता हो इस पर होना चाहिए तो लेखक कहीं कहीं बताना चाह रहे हैं कि इतने सारे संकट ऑलरेडी हैं और उसमें आप अगर इस चीज के बारे में सोच रहे हो कि हाँ हमको इन बिल्डिंग्स को किस तरीके से रीडेवलप करना है रिकंडीशन करना है तो कहीं कहीं आप जल्दीबाजी में निर्णय ले रहे हैं और अगर आप जल्दीबाजी में निर्णय ले रहे हैं तो आपको यानी सरकार को याद रखना चाहिए कि हरी मेक्स करी या हरी स्पॉइल्स करी सॉरी हरी स्पॉइल्स करी यानी जल्दबाजी में अगर आप कोई काम करते हैं तो वो काम क्या हो जाता है बच्चों खराब हो जाता है ठीक है या हेस्ट मेक्स वेस्ट ठीक है जल्दबाजी में कोई भी काम करेंगे तो खराब हो जाएगा इसी पर एडिटोरियल है कि अगर आप इतना सब कुछ कर रहे हैं 922 करोड़ रुपए की आपकी करीब योजना है ये तो आप लोगों के सामने इस ले आते जब ये में सलाह मशवरा होता डिस्कशन होते डिब्रेशन होते अर्थात कहीं कहीं विचार विमर्श होता बहस होते इस पर संसद में इस चीज को ले आते फिर आप इसको करते तो शायद ये चीजें ट्रांसपेरेंसी शो करती मींस क्या करती पारदर्शिता पारदर्शिता शो करते हैं लेकिन अभी वो ट्रांसपेरेंसी शो नहीं हो रही है क्योंकि आपने बिना प्रॉपर विचार विमर्श के इससे इसको पारित करने का क्या कर लिया है योजना बना लिया ठीक है देखें करें द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट देखिए बच्चों गवर्नमेंट है यहां प्रॉपर नाउन ये नहीं हो गया ये गवर्नमेंट है इसलिए नरेंद्र मोदी होने के बावजूद द लगा यानी द नरेंद्र मोदी के लिए नहीं लग ही नहीं सकता नरेंद्र मोदी से पहले द किसके लिए लगा है गवर्नमेंट के लिए यानी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है सिंगुलर है इज 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 सिंगुलर ना इसलिए इस लग गया गया सो पजिश्ण। पजिश्ण याद हो गया। पागल यहां वो पागल नहीं बच्चों कोई मैड हो वो पागल नहीं यानी किसी चीज के प्रति बहुत अधिक इच्छुक बहुत अधिक चाहत रखना ये पजिस्ट का सेंस यहां पे बहुत अधिक डिजायरस होना यानी नरेंद्र मोदी के जो गवर्नमेंट सरकार है इज सो पजिश इतनी उन्मत्त है अर्थात इतनी व्यग्र है बाय इट्स प्लान कौन सी चीज को लेकर के यानी अपनी योजना को लेकर के देखिए गवर्नमेंट के लिए क्या लगाया गया बच्चों इट्स यानी सामूहिक रूप से यानी अपनी योजना को लेकर के बहुत अधिक उन्मत्त है व्यग्र है कौन सी योजना टू रीडेवलप द सेंट्रल विस्टा यानी जो केंद्रीय परिदृश्य है उसको रीडेवलप करना मींस क्या करना फिर से उसको विकसित करना इस योजना को लेकर के नरेंद्र मोदी इतनी नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो इतनी रहे इतनी व्यग्र है कि द थ्री किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट जब भी एक नाउन के बगल में आपको कोई और नाउन फ्रेज दिया गया हो तो आप तुरंत समझ जाए वो नाउन फ्रेज उस नाउन के बारे में और अधिक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है सेंट्रल विस्टा के बारे में बताया जा रहा है कि द थ्री किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच यानी तीन किलोमीटर में लॉन्ग स्ट्रेच तीन किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट कहावन से इंडिया गेट तक यानी राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैला हुआ तीन किलोमीटर लंबा जो सेंट्रल विस्टा है उसे रीडेवलप करने के लिए जो मोदी गवर्नमेंट है वो बहुत अधिक है, means क्या है बहुत अधिक व्यग्र है है। है, एक चीज़ ध्यान देखा अब आपने From का किससे टू से है और बिटवीन का कॉम्बिनेशन याद हो गया बिटवीन का एंड से है नो no सूनर का कॉम्बिनेशन दैन से होता है वेदर का कॉम्बिनेशन आर से होता है हार्डली स्केशली रेयरली और बेयरली का कॉम्बिनेशन नॉर्मली वेन से होता है ईदर का कंबिनेशन नॉर्मली आर से होता है नीदर का कंबिनेशन नॉर्मली नार से होता है और बोथ का कंबिनेशन एंड से होता है ठीक है इसे धीरे धीरे याद करते जाएं। यानी नरेंद्र मोदी की सरकार इतनी अधिक पजिस्ट है इस प्लान को लेकर के दैट की इवन अ डिवास्टेटिंग पैंडेमिक डिवास्टेटिंग याद हो गया होगा विनाशकारी पैंडेमिक तो एकदम दिमाग में पहुंच गया होगा आपके मेन्स क्या कह सकते हैं बच्चों महामारी यानी इतनी अधिक वो उन्मत है इस प्लान को लेकर के दैट की इवन अ डिवास्टेटिंग पैंडेमिक कि यहां तक कि इवन मींस यहां तक कि एक डिवास्टेटिंग पैंडेमिक यानी एक विनाशकारी जो महामारी है इज नो डिस्ट्रैक्शन इज नो डिस्ट्रैक्शन वो भी बाधा नहीं बन पा रही है फ्रॉम इट इससे यानी वो भी कहीं रोक नहीं पा रही है फ्रॉम इससे इससे किससे यानी उस प्लान को रीडेवलप करने से कौन सी प्लान जिस प्लान में वो सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप करना चाहते हैं जो कि तीन किलोमीटर लंबा फैला हुआ है राष्ट्रपति भवन से लेकर कहां तक इंडिया गेट तक और नरेंद्र मोदी की सरकार इसके लिए इतनी अधिक उन्मत है कि डिवास्टिंग पैंडेमिक के बावजूद यानी विनाशकारी महामारी के बावजूद वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो रही अर्थात इस योजना से पथ भ्रमित नहीं हो रही हट नहीं रहे हैं इन फैक्ट याद है हमेशा अलग अलग लिखिएगा और इन फैक्ट मीन्स वास्तव में वास्तव में एमिड देखिए बच्चों मैंने एक बार जिक्र किया था एक बार दो तीन बार जिक्र किया होगा जहां पे काउंटेबल प्लूरल नाउन होता है वहां आप एमंग का प्रयोग करिएगा और जहां सिंगुलर या फिर आप कहें कि अनकाउंटेबल नाउन होता है मीन्स कोई भावना वगैरह होती है वहां पे क्या लीजिएगा एमिड लीजिएगा वहां कभी एमंग नहीं लीजिएगा यानी जहां के बीच का बात हो वहां पर काउंटेबल प्लूरल के लिए एमंग और अनकाउंटेबल के लिए एमिड का प्रयोग करिएगा तो इनफैक्ट वास्तव में एमिड द नेशंस नेटिक बैटल देखिए जैसे नेशंस आया ना तुरंत तो समझ जाए इसके आगे नाउन आएगा देखिए ना बैटल बैटल क्या है नाउन है तो क्या क्या हो जाएगा एडजेक्टिव तो इनफैक्ट वास्तव में एमिड द नेशंस के बैटल यानी इस राष्ट्र का जो येटिक बैटिल है यानी टिक अस्त व्यस्त युद्ध है लड़ाई है अगेंस्ट कोविड 19 किसके खिलाफ कोविड 19 के खिलाफ उस लड़ाई में द सेंटर हैज बीन रशिंग एहेड उस लड़ाई में यानी एक तरफ कोविड 19 से लड़ रही पूरा देश लड़ रहा है और ये सेंटर जो है केंद्र सरकार है हैज बीन रशिंग एहेड वो और ही अधिक आगे क्या हो रही रशिंग भागी जा रही है इग्नोरिंग यानी ये सरकार इग्नोर कर रही है अनदेखा कर रही है प्लीज उन याचिकाओं को टू पॉज इट जिन याचिकाओं में टू पॉज इट केंद्र सरकार के इस योजना को किस से इसके लिए याचिका दायर की गई है कि इस योजना को रोक दिया जाए फॉर फर्दर डिलीवरेशंस ताकि उस पर आगे फर्दर मींस आगे ताकि उस पर आगे डिलीवरेशन क्या की जा सके बहस की जा सकती हो चर्चा की जा सकती हो ठीक है प्लान यानी जो योजना है इज ऑल्सो यानी ये योजना भी है क्या टू कॉन्स्ट्रक्ट कि निर्माण किया जाए अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग यानी एक नया संसद भवन बनाया जाए बाई मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू यानी मैंने कहा था ना जब समय से पहले बाई लगा हो इसका मतलब तक हो जाता है यानी मार्च 2022 तक क्या बना दिया जाए एक पार्लियामेंट बिल्डिंग बना दिया जाए इसकी योजना भी है एंड कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट और एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बना सचिवालय बना दिया जाए बाय मार्च 2024 ट्वेंटी 2024 मार्च तक एक सेक्रेटरीट बना दे सेंट्रल सेक्रेटरीट कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बना दे ऐसी योजना भी है एलांग विद याद है एलॉन्ग विद के साथ साथ किसके साथ साथ न्यू रेजिडेंसेज यानी नए रेजिडेंसेज यानी रहने के मकान बनाए जाए फॉर द प्राइम मिनिस्टर किसके लिए प्रधानमंत्री के लिए एंड द वाइस प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति के लिए नियर साउथ एंड नॉर्थ ब्लॉक्स नॉर्थ ब्लॉक्स के पास विच वी रिपर्पज्ड एज म्यूजियम्स जिन्हें क्या बना दिया जाएगा रिपर्पज्ड यानी जिनका एक प्रस्ताव किया जाएगा या किया गया है एज म्यूजियम्स उन्हें क्या बना दिया जाएगा संग्रहालय बना दिया जाएगा किन्हें बना दिया जाएगा जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स होंगे ठीक है देयर विल बी बिल्डिंग एक नई बिल्डिंग होगी फॉर द पीएमओ किसके लिए प्राइम मिनिस्टर्स प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए एक नई बिल्डिंग बनाई जाएगी अ ड्राफ्ट मास्टर प्लान यानी एक जो महायोजना है महायोजना का जो ड्राफ्ट है मसौदा है प्रारूप है बाई अ प्राइवेट फर्म ये किसके द्वारा बनाया गया है एक प्राइवेट फर्म के द्वारा कॉन्ट्रैक्टेड बाय द गवर्नमेंट जिस प्राइवेट फर्म से कॉन्ट्रैक्टेड यानी एक करार किया गया है बाय द गवर्नमेंट किसके द्वारा सरकार के द्वारा वो जो मास्टर प्लान है हैज प्रपोज्ड उस मास्टर प्लान में ये प्रपोज किया गया है या उस मास्टर प्लान ने प्रपोज किया है और ट्रायंगुलर शेप्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग समझ रहे होंगे कि जो संसद भवन बनेगा वो ट्राइंगुलर शेप होगा मीन्स कैसा होगा एक तिकोने आकार का होगा नेक्स्ट टू द एग्जिस्टिंग हेरिटेज स्ट्रक्चर नेक्स्ट टू क्या होता है के बगल में यानी यानी जो existing, वर्तमान हेरिटेज विरासत स्ट्रक्चर यानी अभी जो स्ट्रक्चर है विरासत के रूप में प्राप्त जो स्ट्रक्चर है हमारे पास उसी वर्तमान स्ट्रक्चर के नेक्स्ट टू यानी उसके बगल में वो पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाएगी जिसका शेप क्या होगा ट्राइंगुलर होगा मीन क्या होगा तिकोण आकार का होगा एंड और ऑफिस और, बिल्डिंग्स और क्या बनाई जाएंगी कार्यालय के लिए बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी ऑल एलांग लेकिन यहां एलांग के साथ देखिए, विद नहीं लगा है जब एलांग विद होता है तो के साथ साथ और केवल एलांग हो तो किनारे किनारे यानी और भी ऑफिस बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी ऑल राजपथ एलॉंग के किनारे किनारे और भी ऑफिस बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी आफ्टर डिमोलिशिंग एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स यानी जो इस समय वर्तमान जो इमारतें हैं बिल्डिंग्स हैं उनको डिमोलिश करने के बाद डिमोलिश करना ढहा देना गिरा देना यानी उन्हें गिराने के बाद राजपथ के किनारे किनारे ऑफिस बिल्डिंग्स क्या की जाएंगी बनाई जाएंगे ठीक है बच्चों आसान है समझ सकते हैं आप टिल डेट याद कर लीजिए कभी भी आप कहना हो आज की तारीख तक तो क्या कहेंगे आप टिल डेट टिल डेट आज तक यानी आज की तारीख तक द गवर्नमेंट हैज नॉट पब्लिकली स्टेटेड हैज के साथ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉट क्या है एडवर्ब पब्लिकली भी क्या है यहां एडवर्ब है ठीक है यानी गवर्नमेंट ने आज तक क्या नहीं किया है स्टेटेड स्टेट तीन होता है बच्चों स्टेट मीन राज्य भी होता है स्टेट मीन्स अवस्था यानी कंडीशन भी होती है और स्टेट मीन्स कहना वर्ब के रूप में स्टेट मीन्स कहना तो हैज के साथ अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म है तो कहने के अर्थ में है यानी टिल डेट आज तक द गवर्नमेंट हैज नॉट पब्लिकली स्टेट यानी सरकार ने सार्वजनिक रूप से नहीं बताया है नहीं कहा है द प्रोजेक्ट्स एस्टिमेटेड कॉस्ट कि इस योजना पर एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगा यानी अनुमानित लागत कितनी आएगी यानी अनुमानित लागत इस योजना पर कितनी आएगी टिल डेट आज आज की तारीख तक गवर्नमेंट हैज नॉट पब्लिकली स्टेटेड गवर्नमेंट सार्वजनिक रूप से ऐसा कुछ नहीं बताया कुछ नहीं कहा है द कॉन्स्ट्रक्शन कॉन्स्ट्रक्शन याद होगा निर्माण द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग यानी नई जो पार्लियामेंट बिल्डिंग होगी इसका जो निर्माण कार्य है अकॉर्डिंग टू द सी पी डब्ल्यू डी यानी एप्लीकेशन यानी सी पी डब्ल्यू डी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग टू अनुसार सीपीडब्ल्यू डी समझ रहे बच्चों सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ठीक है सार्वजनिक निर्माण विभाग आप कहते हैं तो जो सी पीडब्ल्यू डी है इसके एप्लीकेशन के अनुसार फॉर एनवायरमेंटल क्लियरेंस यानी कौन सा एप्लीकेशन जो एन एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए दिया गया था यानी जो पर्यावरण के क्लियरेंस के लिए एप्लीकेशन दिया गया था किसके द्वारा सी डी द्वारा उसके अनुसार फॉर द प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट ले दिया गया था ऑन मार्च ट्वेल्व कब दिया गया था एप्लीकेशन बारह मार्च को उसके अनुसार इज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट नाइन हंड्रेड ट्वेंटी टू करोड़ यानी इसकी लागत कितनी आई करीब नौ सौ बाईस करोड़ रुपए आएगी मैंने बताया था यानी इस बिल्डिंग की जो लागत आएगी वो करीब 922 करोड़ रुपए आएगी कैसे पता चला जब सी पीडब्ल्यू के एक एप्लीकेशन में जो उसने इनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए दिया था उस प्रोजेक्ट के लिए मार्च ट्वेल्व को उससे पता चला कि वो जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके लिए करीब 922 करोड़ रुपए लगेंगे जबकि सरकार ने अभी भी ब्लिकली स्टेटेड सार्वजनिक रूप से कुछ भी बताया नहीं है द सेंटर हैज गिवेन रेंज ऑफ रीजन देखिए रीजन के लिए कलेक्टिव नाम यूज किया गया और रेंज ऑफ ठीक है जैसे लेक्चर्स के लिए सीरीज ऑफ गायकों के लिए और ट्रुप ऑफ और बैंड ऑफ सिंगर्स होता है वैसे रीजन के लिए और रेंज ऑफ रीजन मीन बहुत सारे कारण द सेंटर हैज गिवेन अ रेंज ऑफ रीजन यानी केंद्र सरकार ने बहुत सारे कारण बताए हैं बिहाइंड द रीडेवलपमेंट प्लान यानी ये जो प्लान है रीडेवलपमेंट की यानी फिर से पुनर्निर्माण की जो प्लान है योजना है इसके पीछे सरकार ने बहुत सारे कारण गिनाए हैं बताए हैं फ्रॉम द स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑफ द पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड द नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक यानी पहला कारण क्या बना बताया उसने द स्ट्रक्चरल सेफ्टी होगी यानी कहीं कहीं एक आधारभूत रूप से सुरक्षा होगी किस चीज की पार्लियामेंट बिल्डिंग की एंड द नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स यानी जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स हैं और जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है इनकी स्ट्रक्चरल सेफ्टी हो गई ऐसा केंद्र सरकार ने बताया विच वो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स विच केम अप बिटवीन 1911 एंड 1931 अभी मैंने कहा था ना Between का कॉम्बिनेशन साथ है एंड के साथ यानी वो जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स हैं जो अस्तित्व अस्तित्व में में आए up, में आए 1911 से 1931 के बीच में वो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स और जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसके स्ट्रक्चरल सेफ्टी होगी ऐसा केंद्र सरकार ने अपने कई सारे कारणों में से कुछ कारण बताए ठीक है एंड और क्या बताया वंस डीलिमिटेशन इज डन और यदि एक बार डिलिमिटेशन इज डन यदि एक बार सीमा का जो निर्धारण है वो पूरा हो जाता है एंड द नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज और जो बैठने के लिए हैं, हैं, है, वो बढ़ जाती हैं टू द नीड फॉर मोर स्पेस तो क्या हो जाएगी अधिक ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी टू सीट किनके बैठने के लिए एमपीज को बैठने के लिए एंड ऑफिस स्पेस और किससे इसके लिए कार्यालय की जगह के लिए फॉर ऑल ऑफ देम उन लोगों के लिए यानी केंद्र सरकार ने पहला कारण क्या बताया कि एक स्ट्रक्चरल सेफ्टी होगी कैसे ताकि जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स हैं और जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो सेफ रहेंगे और क्या कारण बताया जब एक बार डिलिमिटेशन इज डन यानी सीमा का निर्धारण तय हो जाएगा एंड द नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज और सीट्स क्या हो जाएंगी बढ़ जाएंगी उनकी संख्या तो टू द नीड फॉर मोर स्पेस तो हमें किस अधिक जगह की जरूरत पड़ेगी to seat MP, जहां पे एमपी लोग बैठ सकते हो एंड ऑफिस स्पेस और अधिक कार्यालय के लिए जगह की आवश्यकता पड़ेगी फॉर ऑल ऑफ बताया इसीलिए वो रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं फिर से उसे मरम्मत या सुधार का कार्य करना चाहते हैं करें द पोस्ट इंडिपेंडेंस बिल्डिंग क्या कहना चाह रहे हैं आपसे फॉर द पोस्ट इंडिपेंडेंस बिल्डिंग फॉर मीन्स द पोस्ट इंडिपेंडेंस बिल्डिंग यानी जब स्वतंत्रता प्राप्त के बाद की जो इमारतें हैं सच एज शास्त्री भवन एंड कृषि भवन पोस्ट मीन्स बाद में इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के यानी स्वतंत्रता के बाद की बिल्डिंग्स के लिए जैसे कि ये बिल्डिंग्स कौन सी हैं शास्त्री भवन है और कृषि भवन है उनके लिए इट हैज साइटेड इट मतलब यहां पे केंद्र सरकार कह सकते हैं इन्होंने उदाहरण दिया है द नीड कि जरूरत है फॉर मॉडर्न वर्क स्पेसेस यानी कार्य करने के लिए हमें कहीं-कहीं और अधिक मॉडर्न वर्क स्पेसेस की क्या है जरूरत है ऐसा केंद्र सरकार ने क्या दिया है उदाहरण दिया है ठीक है डिसीजन ऑन रीडेवलपमेंट यानी इस रीडेवलपमेंट पर जो निर्णय है वाज टेकन वो निर्णय लिया गया वैश है? वो निर्णय लिया गया था हरी कैसे लिया गया था जल्दी में बच्चों याद रखिएगा एग्जाम में आपको हरी दे दिया जाएगा वो गलत होता है हरी होता है यानी वो निर्णय जो रीडेवलपमेंट का था टेकन इन हरी वो जल्दीबाजी में लिया गया था एंड विदाउट एडिक्वेट कंसल्टेशन याद हो गया होगा एडिक्वेट पर्याप्त और बिना पर्याप्त विचार विमर्श सलाह मशवरा के वो निर्णय लिया गया था ठीक है द यूटिलिटी यूटिलिटी मीन किसी चीज की उपयोगिता उसका यूज जो होता है वो यूटिलिटी होता है द यूटिलिटी ऑफ सच अवलपमेंट मैसेव मीन विशाल बड़ा रीडेवलपमेंट पुनर्विकसित करना फिर से निर्माण करना और यूटिलिटी उपयोगिता सब्जेक्ट क्या है आपका यूटिलिटी ध्यान देखिए बच्चों सच है ना सच के बाद रीडेवलपमेंट क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो फिर इसके पहले एक एडजेक्टिव आया लेकिन ए उस नाउन से पहले नहीं लिया गया एडजेक्टिव से पहले स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा अगर सच के साथ कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेते हैं आप तो उसके पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव से पहले क्या होगा वो आपका या होगा। तो आप सच अ मैसिव रिडेवलपमेंट यानी इस प्रकार के विशाल पुनर्निर्माण की जो उपयोगिता है यूटिलिटी है इज नॉट इजिली डिफेंडेबल वो आसानी से डिफेंडेबल नहीं है यानी आप उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। आप इसे साबित नहीं कर सकते हैं कि इतने विशाल स्तर पर रीडेवलपमेंट की यूटिलिटी क्या उपयोगिता क्या है यह डिफेंडेबल नहीं आप इसे सही साबित नहीं कर सकते हैं बट लेकिन द मोदी गवर्नमेंट लेकिन जो मोदी सरकार है इज एविडेंटली ईगर ईगर मीनस उत्सुक कीन अलाकुड वो बहुत अधिक स्पष्ट रूप से क्या है उत्सुक है टू रिकंडीशन रिकंडीशन मीन मरम्मत करना यानी क्या करने के लिए मरम्मत करने के लिए द कैपिटल्स लैंडस्केप यानी जो रा, राजधानी है उसके परिदृश्य को सुधारने के लिए मरम्मत करने के लिए मोदी गवर्नमेंट बहुत अधिक क्या है ईगर है उत्सुक है एज इट्स मॉन्यूमेंटल लिगैशी क्यों वो सुधार करना चाहते हैं ताकि वो दिखा सकें कि यह उनके यानी केंद्र सरकार की मॉन्यूमेंटल लिगैशी है मेंस हमारी क्या है ये ऐतिहासिक धरोहर है ऐतिहासिक विरासत है इसीलिए इस कैपिटल राजधानी के परिदृश्य को रिकंडीशन करने के लिए सुधार करने के लिए मरम्मत करने के लिए वो बहुत अधिक स्पष्ट रूप से क्या है बहुत ईगर है उत्सुक है ठीक है द अपोजिशन यानी जो विपक्ष है एनवायरमेंटलिस्ट जो पर्यावरण विद है आर्किटेक्ट्स जो वास्तुकार हैं नक्सा नवेश हैं एंड सर्जन्स और जो नागरिक हैं हैव रेज्ड अ रेंज ऑफ कंसर्न्स कंसर्न्स यानी चिंताएं और रेंज ऑफ कंसर्न्स बहुत सारी यानी अपोजिशन ने पर्यावरणविदों ने वास्तुकारों ने और नागरिकों ने भी हैव रेज्ड अ रेंज ऑफ कंसर्न्स बहुत सारी चिंताएं सामने रखी हैं बहुत सारी चिंताएं उठाइए सामने ले आए हैं इवन बिफोर द पेंडेमिक किससे पहले उस पेंडेमिक से भी पहले ब्रॉट इन अ एडिशनल इश्यूज यानी वो पेंडेमिक ब्रॉट इन जिसने उत्पन्न किया ब्रिंग इन क्या होता है उत्पन्न करना उसी के सेकंड फॉर्म है यानी जब पेंडेमिक का ब्रॉट इन उत्पन्न किया एडिशनल इश्यूज यानी अतिरिक्त मुद्दों को अतिरिक्त समस्याओं को इस पेंडेमिक ने उत्पन्न किया उससे भी पहले बहुत सारे चिंताओं को किन्होंने अपोजिशन ने इन्वायरमेंटलिस्ट ने आर्किटेक्ट्स ने और सिटीजन ने सरकार के सामने बहुत सारे प्रश्न बहुत सारे चिंताएं सामने रखी थी कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है बट लेकिन फार फ्रॉम पॉजिंग पॉज मीनस रुकना यानी रुकने से बहुत दूर यानी रुकने की तो बात ही छोड़िए सेवरल की अप्रूवल्स बहुत सारे महत्वपूर्ण अप्रूवल्स अप्रूवल्स किसी चीज के प्रति संस्तुति यानी मान लेना ये कार्य यानी बहुत सारी संस्तुतियां जो थी फॉर द प्रपोज पार्लियामेंट बिल्डिंग यानी उस प्रपोज यानी प्रस्तावित पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए बहुत सारे जो की अप्रूवल्स थे महत्वपूर्ण संस्तुतियां थी हैव बीन पुश्ड वो संस्तुतियां केंद्र सरकार के द्वारा है आगे बढ़ा दी गई हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन किसके दौरान लॉकडाउन यानी अपोजिशन ने कहा इन्वायरमेंटलिस्ट ने कहा आर्किटेक्ट ने कहा नागरिकों ने कहा कि बहुत सारी चिंताएं हैं हमारे और इन्होंने कब कहा पैंडेमिक से पहले वो पैंडेमिक जिसने कई सारे अतिरिक्त समस्याएं उत्पन्न कर दी थी उससे भी पहले इन लोगों ने कहा कि हमारी बहुत सारी चिंताएं हैं आपकी योजना को लेकर के लेकिन फार फ्रॉम पाजिंग यानी रुकने के बजाय रुकने की दो बात ही बात ही छोड़िए सरकार ने क्या किया बहुत सारी महत्वपूर्ण संस्तुतियां फॉर द प्रपोज पार्लियामेंट बिल्डिंग यानी उस प्रस्तावित पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए बहुत सारी संस्तुतियां have been pushed. क्या कर गए है उसके द्वारा आगे कर दी गई हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन किसके दौरान लॉकडाउन के दौरान लीडिंग यानी विच इज लीडिंग यानी जो संस्तुतियों के रूप में ले तो विच आर लीडिंग टू एलिगेशन जिसकी वजह से वो क्या लग रहे हैं उन पर केंद्र सरकार पे एलिगेशन याद है आपको आरोप लग रहे हैं ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कि कहीं कहीं जो योजना है आपकी जो कार्य है उसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है यानी पारदर्शिता की क्या है कमी है ये किसके द्वारा कहा गया अपोजिशन के द्वारा इन्वायरमेंटलिस्ट द्वारा आर्किटेक्ट के द्वारा और सिटीजन के द्वारा इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट मेंबर्स यानी जो स्वतंत्र एक्सपर्ट मेंबर्स थे विशेषज्ञ सदस्य थे ऑफ द सेंट्रल विस्टा कमेटी यानी उस केंद्रीय विस्तार समिति के जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट मेंबर्स थे कुड नॉट अटेंड द मीटिंग वो भी उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर सके वेयर जिस मीटिंग में जहां इट वॉज यानी जहां पर वो प्रस्ताव क्या कर दिया गया पास कर दिया गया विदाउट मच डिस्कशन अधिक चर्चा के एज पर मीटिंग यानी जो मीटिंग के माइन्योर्स थे विवरण वगैरह थे उसके अनुसार बिना चर्चा किए ही उस प्रस्ताव को क्या कर दिया गया पास कर दिया गया उस मीटिंग में वो सेंट्रल विस्टा कमेटी के इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट मेंबर्स भी क्या नहीं कर पाए थे कुड नॉट अटेंड द मीटिंग वो उसमें शामिल नहीं हो पाए तो थे अटेंड नहीं कर पाए थे वैसे यहां कुड नॉट से बच्चों बेहतर होता कि यहां क्या लेते वर नॉट एबल टू ये बेहतर होता यहां कुड नॉट से चलिए लास्ट पैसेज आपका करें द प्रोसेस याद होगा आपको द प्रोसेस प्रक्रिया द प्रोसेस फॉर चेंज ऑफ लैंड यूज बाई द डेल्ही डेवलपमेंट अथॉरिटी समझते होंगे डी डी ए के नाम से आप जानते हैं यानी डेल्ही डेवलपमेंट अथॉरिटी डी डी ए के द्वारा जो लैंड यूज है यानी जो जमीन का उपयोग होता है उसमें परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है वास कंप्लीटेड पैसे वैश है वो क्या कर ली गई थी पूरी कर ली गई थी जस्ट बिफोर लॉकडाउन बिगे ऑन मार्च 25. फाइव जब लॉकडाउन मार्च 25 को शुरू हुआ उसके पहले ही डी डी ए ने लैंड के लिए जो change होना चाहिए उसके उसकी प्रक्रिया को क्या कर लिया था पूरा कर लिया था। वो कार्य पूरा कर लिया गया था एक्टिविस्ट यानी जो कार्य सामाजिक कार्यकर्ता है एंड आर्किटेक्ट और जो वास्तुकार हैं क्वेश्चन उन्होंने कहीं कहीं प्रश्न किए हैं लैक ऑफ स्टडीज कि कहीं कहीं अध्ययन की कमी रही है यानी उन्होंने प्रश्न खड़े किए हैं कि कहीं कहीं अध्ययन की कमी रही है किस इसके लिए टू असर्टेन असर्टेन में सुनिश्चित करना इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए द नीड फॉर द प्रोजेक्ट कि उस प्रोजेक्ट के लिए जरूरत किस चीज की है एंड और इट्स इंपैक्ट और उसका प्रोजेक्ट का प्रभाव क्या पड़ेगा द इन्वायरमेंट पर्यावरण पर ट्रैफिक पर एंड पोल्यूशन पर यानी पर्यावरण पर ट्रैफिक पर पोल्यूशन पर प्रभाव क्या पड़ेगा इसमें कहीं कहीं स्टडीज की कमी रही और प्रोजेक्ट के लिए जिन चीज़ों की जरूरत है उसे सुनिश्चित करने में भी कहीं कहीं अध्ययन की क्या रही है कमी रही है इस चीज़ पर आर्किटेक्ट्स ने और एक्टिविस्ट ने क्या खड़े किए हैं प्रश्न खड़े किए हैं There were जैसे आपने there were देखा ना था ना समझा आगे प्लूरल होगा There were enough regions है ना प्लूरल आपका There were enough regions पर्याप्त कारण थे to be circumspect याद है circumspectो सजग रहने के सावधान सतर्क रहने के यानी सतर्क रहने के पर्याप्त कारण थे about this grand idea यानी इस महान इस शानदार जो आपका विचार है जो योजना है विचार है इस ग्रैंड आइडिया के प्रति आपको कहीं कहीं क्या रहना चाहिए था सर को मिस्पेक्ट रहना चाहिए था सजग रहना चाहिए था इसके बहुत अधिक कारण हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग और ये कारण कब से हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग शुरू से नहीं शुरू से ही ये बहुत सारे कारण हैं कि ये जो ग्रैंड आइडिया है इसके बारे में आपको कहीं ना कहीं क्या रहना चाहिए था सरको में स्पेक्ट रहना चाहिए था मीन्स क्या सजग सावधान रहना चाहिए था इन द सिचुएशन यानी ये परिस्थिति क्रिएटेड बाय द पैंडमिक जो किसके द्वारा यानी विच इज क्रिएटेड बाय द पैंडमिक यानी जो अवस्था जो स्थिति क्रिएटेड बाय द पैंडमिक किसके द्वारा उत्पन्न की गई है इस महामारी के द्वारा उत्पन्न की गई है इस स्थिति में इट मस्ट बी डिफर्ड इस योजना को आपको डिफर कर देना चाहिए डिफर क्या करना बच्चों डीले कर देना टाल देना स्थगित कर देना आपको इस योजना को क्या कर दिया कर देना चाहिए स्थगित कर देना चाहिए एंड द आइडिया और ये जो योजना है जो विचार है रिविजिटेड लेटर रिविजिट विजिट मीन्स गौर करना ध्यान देना लेटर बाद में और इस आइडिया पर आपको बाद में गौर करना चाहिए इसे अभी टाल देना चाहिए क्योंकि अभी क्या चल रहा है पैंडेमिक चल रहा है महामारी चल रही थी अभी आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए वर्ड्स देख लें जल्दी से इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंटल ऐतिहासिक भी हो सकता है मॉन्यूमेंटल स्मारक संबंधी भी हो सकता है मॉन्यूमेंटल बहुत विशाल बहुत बड़ा भी हो सकता है और मॉन्यूमेंटल हाईली सिग्निफिकेंट, बहुत महत्वपूर्ण भी हो सकता है डिवास्टेटिंग आपने पढ़ा था विनाशकारी एहड आगे बच्चों वर्ड पावर पढ़े ना धीरे रेगुलर पढ़े धीरे धीरे आपको लगेगा बहुत आसान है वर्ड पावर आप लगता अरे इतना कठिन है फिर लगेगा अरे तो आसान है मैं मैं अच्छे अच्छे वर्ड्स जानता हूं मैं। बस लाइफ में इन्हें यूज करें रेगुलर पढ़ते रहें छोड़े ना बीच में आप स्टेट अवस्था भी हो सकती है राज्य भी हो सकता है और कहना भी हो सकता है ये डिपेंड करता उस सेंटेंस पे कैसे उसे यूज किया गया शाइट उदाहरण देना लिगेसी कोई धरोहर कोई विरासत एज पर के अनुसार डेफर स्थगित कर देना टाल देना की अप्रूवल्स महत्वपूर्ण संस्तुतिया हरी जल्दीबाजी ये नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकती है जल्दबाजी करना इग्नोरिंग यहां आई इग्नोर में जानते नजरअंदाज करना ओवर लुक करना निग्लेक्ट करना वेष्टा परिदृश्य भी हो सकता है योजना या विस्तार भी हो सकता है पैंडेमिक याद है आपको बिल्कुल महामारी प्लीज याचिकाएं रिट्स एस्टिमेटेड जो आपने कैलकुलेशन के अनुमान लगाए एडिक्वेट एनफ पर्याप्त आर्किटेक्ट्स जो नक्शे वगैरह बनाते हैं आर्किटेक्ट कहलाते हैं वास्तुकार कहलाते हैं माइन्यूट के सेंस में क्या हो जाएगा छोटे छोटे विवरण युक्त और मिनट्स भी होता है आप जानते हैं रिविजिट पुनः गौर करना पुनः ध्यान देना काम आएगा वर्ड आपके क्लियरेंस अर्थात किसी चीज़ को क्लियर कराने का कार्य अर्थात ये कराने कार्य के उस पर कोई विवाद नहीं है बैटल नाउन के रूप में लड़ाई और वर्क के रूप में लड़ाई लड़ना एग्जिस्टिंग विद्यमान वर्तमान जो एग्जिस्ट कर रहा हो प्रोजेक्ट कोई योजना कोई प्लान कोई आइडिया डिस्ट्रैक्शन किसी चीज़ में बाधा रुकावट डिलीवरेशन चर्चा विषय अर्थात कोई किसी चीज़ पर बहस लंबी बहस कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य यूटिलिटी उपयोगिता कंसर्नश यहां नाउन के रूप में चिंताएं असर्टेन वर्क रूप में सुनिश्चित कर देना इंश्योर कर देना कंसल्टेशन सलाह मशवरा रीपरपोजो किसी चीज को पुनः प्रस्तावित हो एलांग विद के साथ साथ और अगर केवल एलांग है के किनारे किनारे इंक्रीज आप जानते हैं बढ़ाना किसी चीज की लंबाई वगैरह को हेस्ट नाउन के रूप में होता है हेस्ट जल्दीबाजी और इसी में एन जोड़ देंगे में जल्दीबाजी करना एमिड अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं के बीच म्यूजियम संग्रहालय जहां पे हमारी ऐतिहासिक धरोहर की चीजें रखी जाती हैं स्ट्रक्चरल ढांचे से संबंधित उसकी संरचना से संबंधित मैसेव विशाल बहुत यूज पोलोस जाइगेंटिक एलिगेशन पढ़ाता इंट्रोडक्शन इम्पैक्ट प्रभाव इफेक्ट री डेवलपमेंट दो सेंस में हो सकता है एडजेक्टिव रूप में लेंगे तो सिकुड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्टेड और वर्ब के रूप में लेंगे तो करार किया ये हो जाएगा सच एजो जैसे कि पजेश एडजेक्टिव रूप में उन्मत्त पागल किसी चीज के प्रति बहुत अधिक इच्छुक हेल्टर स्केल्टर अस्त व्यस्त हेरिटेज कोई आपकी लेगैशी कोई केम अप, अर्थात कोई चीज़ जो अस्तित्व में आया एग्जिस्ट करने लगा डिफेंडेबल जिसको आप डिफेंड कर सकते हो अर्थात उसका साथ दे सकते हो उसका समर्थन कर सकते हो ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता क्लैरिटी सर्कोमिस्पेक्ट जो आदमी विजिलेंट हो केयरफुल हो काश हो सतर्क सावधान स्ट्रेच हो किसी चीज को वर्ब के रूप में फैलाना और एडजेक्टिव के रूप में अनाउन के रूप में विस्तार रशो, रश भागना भीड़ के रूप में आगे बढ़ना डिमोलिश बिल्डिंग वगैरह को गिरा देना ढहा देना डिलिमिटेशन सीमा निर्धारण अर्थात सीमा बंदी और लैंडस्केप कोई परिदृश्य ठीक है बच्चों सारे वर्ड्स बार बार देखा करें एडिटोरियल को बिल्कुल इतना आसान बना दें आप कि एक दिन आप कह सकें वी कैन वी विल ठीक है सारे बच्चों लाइक like, कमेंट्स करते रहिएगा रहिएगा देखते चीजों को आप अच्छे से मैंने आज जो नाउन सफिक्सेस डाले आगे इसके बाद एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब सफिक्सेस और भी अच्छी 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 चीजें मैं डालता रहूंगा बच्चों अपनी राय जरूर दें क्या बेहतर किया जा सकता है किस तरीके से किया जा सकता है और ये नाउन सफिक्स से आप जरूर वर्ड्स तैयार करें देख करके पहचान सकें कि हां ये ये शब्द है ये ये शब्द है धीरे धीरे मैं आपको इतना सक्षम बना दूंगा कि आप ज्यादातर वर्ड्स को देख के बता देंगे नाउन है ये एडजेक्टिव है ये वर्ब है ये एडवर्ब है अगर आपके मन में आ रहा हो कि सर ये क्यों नहीं करें ये प्रिपोजिशन कंजंक्शन है मैं इसके भी वजह बताऊंगा और कल मेरी क्लास क्यों नहीं चल पाई थी मैं इसकी भी वजह बताऊंगा बच्चों और आपको कहीं कहीं मुझे सपोर्ट भी करना होगा मेंटली कहीं कहीं थोड़े बहुत क्या रहेगा आप प्रिपेयर रहिएगा ठीक है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा खुश रहें आप आगे बढ़ते रहें जिंदगी में तरक्की करते रहें और कभी भी कोई गम कोई मुसीबत आप पर ना आए ठीक है थैंक यू